राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आओ मिलकर सीखें, आओ मिलकर गाएं। श्रोताओं नमस्कार, अब जो कार्यक्रम आप सुनेंगे वो एक गीत शिक्षण कार्यक्रम है। आपसे अनुरोध है कि यदि आप गीत सीखना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम में बताई गई बातों को, जैसे गीत की पंक्तियों को या अन्य सुझावों आदि को नोट कर लें। इससे बाद में गीत का अभ्यास करने में सुविधा होगी। साथ ही इस गीत को सीखकर अन्य साथियों को भी सिखाएं। हम आपको बता दें कि प्रस्तुत कार्यक्रम के कलाकारों की मातृभाषा वो नहीं है जिसमें उन्होंने ये गीत गाया है। पहले इन कलाकारों ने दूसरी भाषा का गीत सीखा, फिर सिखाने के उद्देश्य से इस गीत को कार्यक्रम में गाया। है ना बहुत बड़ी बात? आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत शिक्षण कार्यक्रम। आओ मिलकर गाएं परियोजना में विभिन्न भाषाओं के गीत सम्मिलित किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का दोहन करना है जो बच्चों को उन अनुभूतियों का अनुभव कराने में सहायक हों जो प्राकृतिक वातावरण, लोगों के रहन-सहन तथा भाषाओं में विस्तृत भिन्नता होने के बावजूद भावात्मक एकता के सूत्रों की सराहना करने जैसे मूल्यों को अर्जित कर सकें। बच्चों में सामूहिक गायन द्वारा देशभक्ति, सहनशीलता और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान और प्रशंसा आदि जैसे मूल्य भी आत्मसात किए जा सकते हैं। सही गायन के लिए जरूरी है गायन को सीखना। इसी क्रम में गीत के शब्दों के उच्चारण से परिचित होना, उच्चारण अभ्यास करना, गीत का भावार्थ जानना, गीत की धुन का ज्ञान होना तथा गीत की धुन को बच्चों के साथ लय और गति में गाकर सीखने और सिखाने का प्रयास इन कार्यक्रमों में किया गया है। अब प्रस्तुत है गीत एई मातिरे। असमिया भाषा में लिखित इस गीत के रचनाकार हैं सतीश दास। सबसे पहले सुनते हैं उच्चारण बोध हेतु गीत का पाठ। एई माती रे मर मते माती के सुमिलो, एई माती ते जीवन सोबी आकी आकी मोसिलो, दूर आकाहार रहन कियानो लागे लागे, हागर तलिर माने कियानो लागे लागे, आह हा मातिर बुकुत मोनर मालोती बुटालो, मोनर करनी रे हुरार पापुरी रे आजी, हुकुमार थापो ना हो जोवा, हुंदर हुदिनर नतुन दृष्टि कन नमवा। यदि गीत का भावार्थ ज्ञात हो तो गायन में भावना का समावेश सरल हो जाता है। अब प्रस्तुत है गीत और गीत का भावार्थ। ए माती रे मर मते, ए माती रे मर मते माती के सुमिलो, ए माटी ते जीवन सबि आकी आकी मोसिलो, ए माती रे मर मते। इस धरती के प्यार में मैंने इसे चूम लिया है, इस धरती में ही
मैंने अपने जीवन चित्र बना बना कर मिटा डाले हैं। दूर कहार रोहन की अनु लगे लागे, दूर कहार रोहन की अनु लगे लागे, हागोर तोलेर मानिक की अनु लगे लागे, हागोर तोलेर मानिक की अनु लगे लागे, মাটির বুকুত মনর মালতি বুটাল, এই মাটিরে মরমতে মাটিকে সুমিল, এই মাটিতে জীবন ছবি আঁকি আঁকি মসিল, এই মাটিরে মরমতে আমি दूर आकाश के रंग क्यों चाहिए, समुद्र के नीचे के मोती क्यों चाहिए, आओ इस धरती के नीचे से अपने मन का आनंद तलाश करें और उसे प्राप्त करें। मन और करुणी रे हूर और पापुरी रे आजी, हुकुमार थापो ना खुजोवा, মন আর করুণিরে হুর আর পাপরিরে আজি, হুকুম আর থাপো না খুজোবা, হুন্দর হুদিনার নতুন দৃষ্টি কননমবা, হুন্দর হুদিনার নতুন দৃষ্টি কননমবা, এই মাটিরে মরমতে মাটিকে সুমিল, এই মাটিতে জীবন ছবি আঁকি আঁকি মসিল, এই মাটিরে মরমতে, এই মাটিরে মরমতে, এই মাটিরে মরমতে। পবিত্র মন और दूर दृष्टि से सौंदर्य को खोजें और एक सुंदर नया दिन देखने की कल्पना करने वाली दृष्टि का विकास करें। गायन में अधिकार के लिए अभिव्यक्ति में प्रवाह जरूरी है और इस प्रवाह के लिए आवश्यक है गीत के शब्दों, गीत की पंक्तियों का मौखिक अभ्यास करना। मौखिक अभ्यास का एक प्रारूप इस प्रकार है। ऐ माटी रे मरमते माटी के सुमिलो, ऐ माटी रे मरमते माटी के सुमिलो, এই মাটিতে জীবন ছবি আঁকি আঁকি মসিল, এই মাটিতে জীবন ছবি আঁকি আঁকি মসিল, দূর আকাহার রহন কি অন লাগে লাগে, দূর আকাহার রহন কি অন লাগে লাগে, হাগর তলির মানিক কি অন লাগে লাগে, হাগর তলের মানিক কি অন লাগে লাগে, আহা আহা মাটির বুকুত মনর মালতি বুটল, আহা আহা মাটির বুকুত মনর মালতি বুটল, মনর করণী রে হুরার পাপরি রে আজি, মনর করণী রে হুরার পাপরি রে আজি, হুকুমার থাপো নাহো জোবা, হুকুমার থাপো নাহো জোবা, হুন্দর হুদিনার নতুন দৃষ্টি কন নমবা, হুন্দর হুদিনার
নতুন দৃষ্টি কোন নমুয়া। इसके बाद गीत को सामूहिक गायन के रूप में गाने का अभ्यास किया जा सकता है। ए माटी रे मरमते, ए माटी रे मरमते, ए माटी रे मरमते, माटी के सुमिलो, माटी के सुमिलो, ए माटी ते जीवन सभी आकी आकी मोसिलो, ए माटी ते जीवन सभी आकी आकी मोसिलो, ए माटी रे मरमते, ए माटी रे मरमते। More and more.
इसके बाद गीत को सामूहिक गायन के रूप में गाने का अभ्यास किया जा सकता है। बार-बार अभ्यास के बाद अपेक्षित दक्षता विकसित कर लेने पर यह जरूरी है कि बच्चों को गीत की वास्तविक लय और गति से परिचित कराया जाए। इसलिए अंत में गीत की वास्तविक लय और गति की जानकारी देने के लिए यह गीत सुनें और कार्यक्रम सुन रहे श्रोता लय और गति के अभ्यास के लिए इस गीत के साथ-साथ गा सकते हैं।
अपेक्षित दक्षता विकसित कर लेने पर यह भी सुनिश्चित करें कि हम अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त देश की अन्य भाषा में गायन को गौरव के रूप में लेते हैं। आओ मिलकर सीखें, आओ मिलकर गाएं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत यह कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना एवं समन्वय प्रोफेसर दलजीत गुप्ता, संगीत गायन एवं शिक्षण अभ्यास रीटा बोकिल, गीत ध्वनिंकन सुरेंद्र गांधी, कार्यक्रम ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन, निवेदन कथ्य और कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर।